Welcome students, in this video I am going to explain chapter number 4th, The Inmate, written by Pearl S. Buck. At first, introduction of the writer as well as of his story. The Inmate by Pearl S. Buck deals with a situation in which human considerations overpower narrow consideration of national duty. ये एक ऐसी कहानी है द इनमी जिसमें राइटर ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मन के अंदर संकीर्ण विचारधारा राष्ट्रभक्ति के प्रति बनी हुई होती है, उस पर मानवीय संवेदनाएं किस प्रकार से कई बार भारी हो जाती हैं. इट टेल्स अबाउट हाउ पीपल कैन हेल्प इनमीज ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स. इस स्टोरी में इस बात को बड़ी ही सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है कि कई बार राष्ट्रभक्ति से परे भी हम अपने दुश्मनों के साथ मानवीय व्यवहार कर सकते हैं. टू हेट आवर इनमी इज नेचुरल एंड जस्टिफिकेबल स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर टाइम. जब युद्ध हो रहा होता है तो उस समय ये प्राकृतिक गुण है मानव का कि वो अपने दुश्मनों से नफरत करता है. बट दिस स्टोरी ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स हाउ अ ह्यूमन बीइंग राइजेस ओवर हिज प्रेजुडिस टू हेल्प अ वांटेड इनमी. हालांकि इसके बावजूद इस कहानी में लेखक ने इतनी सुंदरता से इसका निरूपण किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है कि कई बार जो हमारी संकीर्ण विचारधारा होती है हम उसको त्याग करके अपने दुश्मन को भी, खैर दुश्मन को खासकर, अपनी दया दिखाते हैं, उसके ऊपर हम उसकी मदद करते हैं. समरी ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट. डॉक्टर सदाओ होकी'स हाउस वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट. डॉक्टर सदाओ का घर जापान में समुद्र के किनारे बना हुआ था. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स अबव अ नैरो बीच सराउंडेड बाई पाइन ट्रीज. और ये एक नैरो बीच पर स्थित था जो कि चारों तरफ पाइन ट्रीज से घिरा हुआ था. सदाओज फादर वॉज वेरी सीरियस एंड ट्रेडिशनल मैन. जहाँ तक सदाओ के पिता की बात है, वो हमेशा एक गंभीर और परंपरागत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे. ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम. कभी भी उन्होंने अपने बच्चे के साथ फन नहीं किया, अर्थात वो हमेशा सीरियस बातें ही अपने बच्चे से किया करते थे. ही हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. जहाँ तक बात है बच्चे की शिक्षा की, तो पिता इसमें काफ़ी सचेत रहा करते थे, डॉक्टर सदाओ के पिता. सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमरीका एट 22 टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर. इसीलिए जब सदाओ की उम्र 22 साल हो जाती है तो उसके पिता उसे अमरीका में भेज देते हैं सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी करने के लिए. ही रिटर्न एट 30, लगभग 8 साल बाद 30 की उम्र में वह अमेरिका से वापस जापान को आता है. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट आल्सो. डॉक्टर सदाओ अमेरिका से वापस लौटने के बाद से एक सर्जन के रूप में ही नहीं वरन एक वैज्ञानिक के रूप में भी जापान में प्रसिद्ध हो जाते हैं. इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. दुर्भाग्य से ये समय होता है वर्ल्ड वॉर का. जापान वॉज एट वॉर विद अमरीका. जापान और अमरीका में युद्ध हो रहा होता है, इससे हम अवगत हैं. डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. डॉक्टर सदाओ को जापानीज आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था उनकी सेवा करने के लिए, घायल सैनिकों की मदद करने के लिए, देखभाल करने के लिए. द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन. बूढ़ा जनरल, उसे जरूरत थी मेडिकल ट्रीटमेंट की और इसीलिए सदाओ को रोका गया था कि आपको जो ओल्ड जनरल है उसकी देखभाल करना है, क्योंकि कभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे ऑपरेशन की नीड पड़ सकती है. सो डॉक्टर सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. इसीलिए जापान में डॉक्टर सदाओ को रखा गया उस ओल्ड जनरल के साथ, ना कि ट्रूप्स के साथ इन्हें भेजा गया. डॉक्टर सदाओ हैड मेट हाना इन अमरीका. डॉक्टर सदाओ की मुलाकात अमरीका में हाना से हुआ था. बट ही हैड वेटेड अंटिल
He was sure that she was Japanese before deciding to marry her. डॉक्टर सदाओ ने तब तक प्रतीक्षा किया जब तक वो पूर्णतः कन्फर्म नहीं हो गए कि वो एक जापनीज है उसे शादी करने के लिए. His father would never have approved of her otherwise. Sadao met her at an American professor's house. They came home to Japan. Their marriage had been arranged in the old Japanese way according to his father's wishes. They were a happy couple. Students, सदाओ के पिता उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसे मतलब हाना को, अगर वो उसे जापानीज मूल का नहीं पाते. सदाओ भी कंफर्म हो जाता है कि वो जापानीज हैं. दोनों वापस अमेरिका से जापान आते हैं. जापान में आने के बाद उनकी जापानीज परंपरा के अनुसार, जापानीज रीति रिवाज के अनुसार शादी कर दी जाती है, जैसा कि सदाओ के पिता चाहते थे. दे वर हैप्पी कपल, और अब वो एक हैप्पी कपल की तरह रह रहे हैं. स्टोरी में वन नाइट सदाओ एंड हाना वर एंजॉइंग द व्यू ऑफ द सी फ्रॉम देयर वेरांदा. एक रात सदाओ और उसकी पत्नी हाना वेरांदा से समुद्र का दृश्य देखकर उसका आनंद ले रहे थे. एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम saw समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द mist. तभी उनकी नज़र समुद्र के किनारे जो धुंध था उस पर पड़ा. उसमें से कुछ काला सा छवि बाहर आ रहा था. इट वॉज अ मैन. उन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि ये एक आदमी है. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. वो लड़खड़ा कर चल रहा था. कुछ कदम चलने के बाद ही कर्ल्ड मिस्ट हिट हिम अगेन. हाना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांदा. दे सॉ अ मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर. तो उन लोगों ने जब और झुक कर देखने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पाया कि वो आदमी जो लड़खड़ा कर चल रहा था वो ज़मीन पर गिर गया. क्रॉल करने का प्रयास किया लेकिन अंततोगत्वा वो क्रॉल भी नहीं कर पाया. चेहरे के बल वो ज़मीन पर गिर गया और वहीं पड़ा रहा. कोई मोमेंट उसकी बॉडी में देखने को नहीं मिली. ही वॉज अनडेड एंड ले मोशनलेस ऑन द सैंड. वो घायल था, मोशनलेस सैंड पर पड़ा हुआ था समुद्र के किनारे. ही वॉज अ वाइट मैन. एक्चुअली वो एक वाइट मैन था. वाइट मैन मीन्स अमेरिकन सोल्जर था. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सॉ दैट अ गन वंड हैड रीओपेंड. सदाओ जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके लोअर पैक में सदाओ ने देखा कि बंदूक की गोली से लगा हुआ घाव खुल चुका था. ही वॉज ब्लीडिंग. रक्त वहाँ से प्रवाहित हो रहा था. ही हैड पैक्ड द उंट विद द सी मॉस. और उसने समुद्र के किनारे जो मॉस उगे हुए थे उनको उठाकर उसने उसके घाव के ऊपर लगा दिया. रक्त को रोकने का प्रयास किया. The man cried but did not wake up. और जब वो ऐसा कर रहा था तो वो घायल सैनिक कराहता है लेकिन जग नहीं पाता है. They read the faint letters on his cap, US Navy. सदाओ और सदाओ की पत्नी ने जब उसके कैप के ऊपर रीड किया जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, क्या इंडिकेट कर रहा था, तो वो इंडिकेट कर रहा था US Navy, अर्थात वो US Navy का सदस्य था. The American was a prisoner of war. सदाओ न्यू दैट गिविंग शेल्टर टू द एनमी वुड गेट देम इन टू ट्रबल. सदाओ जानता था कि अगर हम इस दुश्मन को अपने वहाँ आश्रय देते हैं तो वो उनके लिए ट्रबल कर सकता है, ट्रबल पैदा कर सकता है, वो मुसीबत में पड़ सकते हैं. ही वॉज टॉर्न बिटवीन हिज मॉरल ड्यूटी एज अ डॉक्टर विज अर्ग्ड हिम टू सेव द डाइंग मैन एंड हिज नेशनल ड्यूटी विज रिक्वायर्ड हैंडिंग हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट. सदाओ दो प्रकार के कर्तव्य में फंसा हुआ था. एक डॉक्टर होने के नाते एक घायल व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, या एक देशभक्त होने के नाते उसे अपने देश के दुश्मन को गिरफ्तार कराना चाहिए. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे
क्या करना चाहिए. बोथ हाना एंड सराउ फाइनली डिसाइडेड टू टेक द मैन होम एज ही वॉज इन नीड ऑफ अर्जेंट मेडिकल अटेंशन. कुछ समय के पश्चात सराउ और उसकी पत्नी ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस घायल आदमी को सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है, तो हमें इसे अपने घर में लेके जाना चाहिए. They decided that they should tell the servants also. उन लोगों ने निर्णय किया कि हम सर्वेंट को भी इसके बारे में बताएंगे. The servants were frightened at what their master had just told them. लेकिन सर्वेंट उनकी बातों को सुनकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं. They thought that their master should not heal the wound of that white man. नौकर ये चाहते हैं कि उनके मालिक को चाहिए कि इस घायल दुश्मन सैनिक की मदद नहीं की जानी चाहिए. Even Yumi refused to wash a white man and returned to her work. Hannah herself washed Tom's breast and face with the steaming hot water carefully. Now her anger was easing. नौकर ने किसी भी प्रकार से मदद करने से मना कर दिया. दोनों डॉक्टर सदाओ और हाना ने, यहाँ तक कि हाना ने खुद अपने हाथ से उस घायल अमेरिकन सोल्जर को वॉश किया. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.